अरे हाय गाइस यार, चलो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ अवेंजर्स हाउस। चलो अवेंजर्स हाउस चलते हैं और वहाँ पे जाके मस्ती करते हैं, क्योंकि यार ये अवेंजर्स हाउस अपने घर की तरह ही है। मैं यहाँ पे आके कुछ भी कर सकता हूँ, लेट्स गो। अरे तुम लोग सब यहीं पे हो? और एक सेकेंड, ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है। फ्रैंकलिन इसे छू मत, ये बहुत महंगी गाड़ी है, मैंने अभी ली है। अरे यार तूने अभी लिए? अरे यार तेरी गाड़ी तो मेरी गाड़ी है, क्या ही दिक्कत पड़ता है। भाई साहब ये गाड़ी क्या ही खतरनाक है। ओ भाई साहब ये तो डिफेंडर है। अरे यार मजा ही आ गया, ये गाड़ी तो बहुत ही मस्त है यार। ये देखो भाई क्या ही मस्त तरीके से चल रही है। चलो गाइस यार इसे एक बार चला के देखते हैं। अरे 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 एक सेकंड गाइस यार, मैंने भाई इस गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया गलती से। ओ नो यार, आयरन मैन तुम्हारी गाड़ी का गलती से एक्सीडेंट हो चुका है। अरे यार माफ करना भाई साहब, तुम्हारी गाड़ी का तो मैंने बैंड बजा दिया, बट क्या कर सकते हैं यार, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था भाई, गलती से हो गई। अब सॉरी के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। आयरन मैन सॉरी, तुम्हारी गाड़ी का ना थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है। गाइस यार ये थोड़ा सा ही है ना भाई, थोड़ा ज्यादा ही है, बट लेकिन क्या कर सकते हैं। आयरन मैन तुम तो बहुत ही अमीर हो, मैं तो गरीब सा आदमी हूँ। ये क्या क्या फ्रैंकलिन, तुमने मेरी गाड़ी को, मेरी नई नवेली डिफेंडर, तुम्हें पता ही कितनी महंगी है, ये मैंने इंडिया से इंपोर्ट कराई थी, ये बहुत महंगी गाड़ी है। ओह माय गॉड, इसने तो पूरे तरीके से धज्जियां उड़ा दी मेरी गाड़ी की। फ्रैंकलिन मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारी ये सब हरकत से, ना तो तुम अवेंजर्स हो ना तुम्हारे पास सुपर पावर है। जब देखो तब मुंह उठाए यहाँ पे आ जाते हो, कभी मेरा आयरन मैन सूट मांगते हो, कभी मेरी गाड़ी ले जाते हो, कभी हमसे पैसा मांगते हो, हमेशा हमारी मदद लेते रहते हो। अरे आयरन मैन सर जी, एक दिन पता है ये मेरे कमरे में आके सो गया, मुझे बाहर में सोना पड़ा सोफा में। उड़े बाबा, एक दिन क्या हुआ कि फ्रैंकलिन मेरी जादुई किताब को फाड़ करके एरोप्लेन बना के उड़ा रहा था। अरे यार क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं तो भाई छोटा सा बच्चा हूँ, मैं बस एरोप्लेन बना के ट्राई कर रहा था। फ्रैंकलिन कैप्टन अमेरिका का शील्ड लेकर के पाव भाजी बना रहा था। अरे यार तुम ही लोग ने बोला था पाव भाजी खाना, तो मैंने उसमें बना दिया, दिक्कत क्या था, तावा ऐसे घर में था नहीं। फ्रैंकलिन तो एक दिन मेरा सारा बर्गर खा लिया था, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे क्या है हल्क भाई साहब, मैंने सिर्फ एक बर्गर खाया था, वैसे मैं तेरे लिए 10 बर्गर लाया था। भाई सच में यार गजब है तुम लोग सब। नहीं नहीं फ्रैंकलिन, तुम्हारा बहुत कंप्लेन आ रहा है, हम लोग ऐसे नहीं चल सकते। फ्रैंकलिन तुम अब यहाँ से जा सकते हो, हम लोग ने तुम्हारा पास कैंसिल कर दिया है, अब तुम अवेंजर्स हाउस में एंट्री नहीं ले सकते। फ्रैंकलिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या मतलब कि मैं अवेंजर्स हाउस में नहीं आ सकता, तुम लोग से नहीं मिल सकता, तुम लोग मुझे भगा रहे हो? अच्छा यार ठीक है, अच्छा सिला दिया तुमने दोस्ती का, मैं याद रखूंगा ये सारी बातें। ठीक है यार आयरन मैन, मैं याद रखूंगा, भाई तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। चलो यार मैं बाद में यहाँ पे कभी नहीं आने वाला, देख लेना। गाइजर ये लोग तो सच में बहुत बुरे हैं, मुझे लगा था कि भाई ये लोग मेरे जिंदगी भर के दोस्त रहेंगे, मैं इनके साथ कितने सारे मिशन किया था, और भाई छोटी सी गाड़ी में स्क्रैच लगने पर ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल दिए, और भाई साहब बोले कि आज के बाद ये अवेंजर्स हाउस में ना आने के लिए। ये तो बहुत ही गलत बात है दोस्तों, लेकिन अब क्या ही कर सकते, घर भी तो यही लोग का है। ठीक है मैं आज के बाद यहाँ पे कभी नहीं आने वाला, जाओ मेरा भी कट्टी तुम लोग से। मुझे लगता है कि मैंने फ्रैंकलिन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ऐसे भी ये गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, बट हमारी दोस्ती थोड़ी ना ऐसे टूट सकती है। अला हाँ सर जी, हम लोग ने फ्रैंकलिन का दिल दुखा दिया। अरे नहीं अच्छा दिल से नहीं लग रहा, कम से कम वो हमारा काम तो करता था और अच्छा दोस्त भी था। उड़ी बाबा उसे कॉल करके थोड़ी देर बाद बुला लेंगे, वो वापस से मान जाएगा, चिंता मत करो। अरे हाँ गुस्सा शांत होने पर वो वापस से आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ गुस्सा शांत होने पर वापस से आ जाएगा, तुम लोग सब चिंता मत करो, फ्रैंकलिन ऐसा नहीं है। अरे गाइजर मेरा गुस्सा तो शांत हो चुका है, मुझे अंदर भी जाना है, बट मैं ऐसे थोड़े ना जाने वाला, अच्छा थोड़े ना लगता, बाद में जाऊंगा। अब यार मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो एक काम करता हूँ पानी के पास ही बैठ जाता हूँ, थोड़ा मन अच्छा लगेगा। चलो यार यही पे बैठता हूँ, ऐसे अवेंजर्स लोग ने मुझे बहुत ही खोटा खोटा सुनाया, अच्छा नहीं लग रहा था। फ्रैंकलिन पीछे देखो, तुम्हारा दोस्त आया है इविल थॉमस। एक सेकंड भाई तुम यहाँ कैसे आ गए? गाइजर इसे तो मैंने मार दिया था, हम लोग ने मिल करके इसे मार दिया था, ये वापस कैसे आ गया? ओह नो गाइजर, ये वापस से लॉस सैंटोस में, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे तुम क्यों आए हो? मैं तुम लोग सबसे बदला लेने, तुम और अवेंजर्स लोग से सबसे। ओह नो गाइजर, ये मुझे छोड़ने नहीं वाला है। अब तो तुम गए फ्रैंकलिन, ये लो कुचल जाओ। हा, हा, हा। एक तो गया फ्रैंकलिन को हम लोग ने खत्म कर दिया, बाकी सब लोग बचे हैं वो लोग को भी खत्म कर देंगे धीरे धीरे। 15 minutes later. Oh no, इसकी तो बहुत तगड़ी वाली एक्सीडेंट हो चुकी है, और ये क्या, इसकी तो हालत बहुत ही खराब है। चलो जो फ्रैंकलिन ने गाड़ी ठोकी थी वो मैंने ठीक कर दिया, अब ये फ्रैंकलिन को बुलाता हूँ और यही बात बता करके उसे वापस फ्रेंड बना लेता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन, हेलो आवाज आ रही है? मैं डॉक्टर भत्रा बोल रहा हूँ, एक आदमी की यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुकी है, ये उसी का फोन है क्या? एक सेकंड, फ्रैंकलिन की एक्सीडेंट हो चुकी है कहाँ पे? नदी किनारे, आप जल्दी आ जाइए अगर आप फ्रैंकलिन का जानकार है तो। ओ नो नो नो, तुम लोग सब जल्दी चलो, फ्रैंकलिन की यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुकी है, हमें जाके देखना होगा। अरे 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 हटो हटो हटो, ये क्या फ्रैंकलिन, ऐसी हालत तुम्हारी कैसी हो गई? ओ नो डॉक्टर, ये ऐसी हालत इसकी कैसी हो गई?
मुझे नहीं पता, मैं तो आगे से गुजर रहा था, मुझे ये नीचे पड़ा हुआ मिला था। मुझे लगता है कि इसकी खतरनाक से एक्सीडेंट हुई है। ओ नो, ये किसका हाथ हो सकता है? किसने फ्रैंकलिन को मारने की कोशिश की है? मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्रैंकलिन, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। फ्रैंकलिन, आइला, ये क्या हो गया? फ्रैंकलिन, तुम ऐसा मत करो, हमें छोड़ के मत जाओ। अभी तो हम लोग को बस बस पार्टियां करनी थी, मस्ती करनी थी, चोरियां करनी थी, तुम अभी हम लोग को छोड़ के जा नहीं सकते। दोस्तों देखो फ्रैंकलिन की हालत क्या हो गई है। ओ नो, फ्रैंकलिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं वादा करता हूँ फ्रैंकलिन, जिसने भी ये तुम्हारा ऐसा हालत किया होगा, मैं उसे चुन करके निकाल करके अच्छा सबक सिखाऊंगा, देख लेना। लेकिन अभी हमारा प्यारा फ्रैंकलिन दोस्त नहीं रहा। दोस्तों फ्रैंकलिन के लिए कमेंट सेक्शन में RIP फ्रैंकलिन जरूर लिखना। अब चलो फ्रैंकलिन को अलविदा कहने चलते हैं दोस्तों। ओ नो दोस्तों, ये देखो हम लोग फ्रैंकलिन को लास्ट टाइम अलविदा कह रहे हैं और यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। गाइज, आप लोग यार कमेंट सेक्शन में RIP फ्रैंकलिन जरूर लिखना। हेलो फ्रैंकलिन, मेरे प्यारे दोस्त, क्यों चले गए? फ्रैंकलिन, तुम चले गए, अब कैप्टन अमेरिका के शील्ड में पाव भाजी कौन बनाएगा? उड़े बाबा, फ्रैंकलिन तुम मेरा बहुत मदद करते थे, अब मेरी मदद कौन करेगा? फ्रैंकलिन, हम लोग बर्गर खाते थे साथ में, अब मेरे साथ कौन बर्गर खाएगा? यहाँ पे गाइस और सब लोग रो रहे हैं, पर चिंता मत करो फ्रैंकलिन, मैं ढूंढ निकालूंगा। जिसने भी यहाँ पे मारा है ना फ्रैंकलिन को, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। मैंने मारा है फ्रैंकलिन को और मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये लो, तुम सबको खत्म कर दिया। कोई नहीं बचेगा। फ्रैंकलिन तो गया और यहाँ पे ये सब भी गए। आइला, इविल थॉमस चेन, तुम सबके साथ क्या कर रहे हो? मैं सबकी जिंदगी खा रहा हूँ, तुम्हारी भी बारी आने वाली है स्पाइडरमैन, मैं तुम्हारी भी जिंदगी खा लूंगा। अभी मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, भागो। आइला दोस्तों, यहाँ पे सारे एवेंजर्स लोग को भी इसने मार दिया, मतलब कि फ्रैंकलिन को भी इसी ने मारा है। और नहीं तो क्या, सबसे पहले मैंने फ्रैंकलिन को ही जो खत्म किया था। आइला, मुझे भागना पड़ेगा और कुछ भी करके इसे हराने का तरकीब सोचना पड़ेगा, तो वरना ये तो पूरे लॉस सैंटोस की जिंदगी खा लेगा और इसका पेट बढ़ जाएगा और ये और ताकतवर होता चला जाएगा। भागो भागो, जल्दी भागो। अरे यहाँ पे तो बाइक है, बाइक लेके भागता हूँ। अरे भागो, जल्दी भागो, यहाँ से तो मुझे भागना पड़ेगा, तो वरना ये मुझे छोड़ेगा नहीं। आइला दोस्तों, ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कि फ्रैंकलिन जरा एवेंजर्स लोग को भी इसने खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं क्या करूं। इविल थॉमस ट्रेन को मैं कैसे हराऊं, कैसे हराऊं? लास्ट टाइम तो हम लोग ने अंडा लेकर के हराया था, मुझे लगता है इस बार फिर से हमें अंडा की जरूरत पड़ेगी। चलो दोस्तों अंडा ढूंढने चलता हूँ। मुझे पता चल गया है, वो एग कहाँ पे, वो पता है माइनिंग के अंदर है, मतलब कि माइन के अंदर। बस मुझे वो माइन ढूंढना पड़ेगा, मुझे आसपास में ही पता चला है कि यहीं पे माइन है। चलो जल्दी से यहाँ पे ढूंढते हैं। अरे कहाँ गया माइन? माइन के अंदर जाके मुझे वो एग को ढूंढना है, बस और कुछ नहीं। उसके बाद में इविल थॉमस टेन को हरा सकता हूँ। वो देखो सामने रहा माइन, फाइनली मुझे मिल चुका है। चलो दोस्तों अब इसके अंदर चलते हैं। अरे इसके अंदर भाई खतरनाक चीजें भी हो सकती है, इसीलिए आराम आराम से जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, अंदर तो मुझे डर लग रहा है, क्या पता यहाँ पे थॉमस ट्रेन आना जाए, इविल थॉमस ट्रेन, तो मेरी तो फटकी चार हो जाएगी। चलो धीरे धीरे अंदर चलते हैं। अरे दोस्तों मुझे आगे में कुछ नजर आ रहा है, एक सेकेंड, आगे में पता नहीं गाड़ी की क्या है। अरे बाप रे, तुम कौन हो? मैं ये अंडे का रखवाला हूँ, तुम कौन हो? अरे बाप रे, ये अंडा क्या चीज का है? मुझे लगता है इविल थॉमस को खत्म करने का यही अंडा है क्या? इविल थॉमस? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये इविल थॉमस को खत्म करने का ये अंडा नहीं है, ये अंडा पावर सोर्स है। अगर ये अंडा तुम किसी के भी ऊपर डाल दो, चाहे वो मरा है या जिंदा है, वो पूरे तरीके से शक्तिशाली होकर के निकलेगा। अरे बाप रे, ये अंडा तो कमाल का है, प्लीज मुझे अंडा लेने दीजिए। पता है लॉस सैंटोस में एक इविल थॉमस ट्रेन आया है, वो सबको खत्म कर रहा है, मेरे दोस्तों को भी खत्म कर दिया, क्या पता वो पूरे दुनिया को खरीदे, इसलिए हमें रोकने के लिए ये अंडे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है तुम ये अंडे को ले जा सकते हो। अरे वाह, फाइनली अंडा मिल गया, चलो इसे ले लेता हूँ। अरे शुक्रिया दादाजी, अब चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। चलो दोस्तों फाइनली अंडा तो मिल गया है, अब चलो जल्दी से जाते हैं और एक काम करते हैं, जिंदा करते हैं। बट मैं किसको जिंदा करूँ? फाइनली देखो मैं आ गया अपने दोस्तों के पास, यहाँ पे मेरे सारे दोस्त पड़े हुए हैं। अरे तुम लोग सब ठीक हो ना? ओ नो, ये सब तो यहाँ पे बेहोश है। एक सेकेंड, वो अंडा एक काम करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ फ्रैंकलिन के पास, फ्रैंकलिन जिंदा हो जाएगा फिर। चलो फाइनली मैंने अंडा रख दिया। अरे ये क्या दोस्तों, यहाँ पे तो धमाका हो रहा है। एक सेकंड दोस्तों, ये क्या, मैं तो वापस से जिंदा हो गया, वो भी और खतरनाक सी पावर से। अरे ये क्या हो गया यहाँ पे, स्पाइडरमैन और सारे एवेंजर्स लोगों को क्या हो गया? फ्रैंकलिन, तुम्हें जिसने मारा है ना, सबने ना एवेंजर्स लोगों को बेहोश कर दिया है। ओ नो, मतलब कि इविल थॉमस ट्रेन अभी भी लॉस सैंटोस में खुला घूम रहा है। चिंता मत करो, इविल थॉमस ट्रेन से तो मैं लड़ाई करूंगा और मैं इस बार उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास आ चुकी है शक्तिशाली वाली पावर। चलो दोस्तों, भाई अपनी पावर को मैंने एक्टिवेट कर दिया और ये देखो क्या ही खतरनाक सी पावर आ चुकी है। अब चलो जल्दी से चलते इविल थॉमस ट्रेन के पास। भाई वो इविल थॉमस ट्रेन को ना मैं छोड़ने नहीं वाला, भाई उसने यार मुझे तो मारा, मेरे दोस्तों को भी मारने की कोशिश की, अब तो यार उसका गेम खत्म समझो।
ये दो गाइजर फाइनली मैं आ चुका हूँ। यही सुरंग से ईवल थॉमस ट्रेन अपनी दुनिया से यहाँ पे आया है। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है मैं उसे खत्म कर दूंगा। देख लेना ईवल थॉमस ट्रेन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। ये देखो दोस्तों, फाइनली थॉमस ट्रेन आ चुका है। ईवल थॉमस ट्रेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, समझे? ऐसा तुम्हें लगता है? ये लो एक सुन गाइजर, सच में यार इसके पास गजब सी पावर है। मुझे भाई उठा के फेंक दिया, अब मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। ये ले भाई साहब, मेरे पास भी गजब की पावर है। फाइनली मैंने भी यार थॉमस ट्रेन को नहीं छोड़ा। ईवल थॉमस ट्रेन, अब तुम मर जाओ यहाँ से, जाओ, खत्म हो गया तुम्हारा। ये लो मारो, कैसा लगा? मजा आ गया। फाइनली गाइजर इसको मैंने मार दिया है, ये देखो। अब ये ईवल थॉमस ट्रेन गया, समझो। अरे दोस्तों ये देखो, जैसे मैंने ईवल थॉमस ट्रेन को मारा, भाई सारे के सारे एवेंजर्स लोग वापस आ चुके होश में। और ये देखो एवेंजर्स, मैं यार वापस आ चुका हूँ, मर के जिंदा हो चुका हूँ। फ्रैंकलिन हम लोग तो डर ही गए थे कि तुम वापस आ नहीं सकते, बट लेकिन तुम वापस आ गए। भाई स्पाइडरमैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं गाइस यार, स्पाइडरमैन ने भाई मुझे वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की है, उसी ने भाई अंडा लाया था, इसलिए यार स्पाइडरमैन तुम्हारा शुक्रिया। एंड गाइस यार फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, वो भी एकदम गॉड लेवल वाले पावर में। अब से मैं भी अवेंजर्स का हिस्सा बन सकता हूँ ना? हाँ जरूर, क्योंकि तुम्हारे पास भी पावर आ चुकी है फ्रैंकलिन। ओके तो गाइस यार आज से मैं भी अब अवेंजर्स का हिस्सा बन चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास भी आ चुकी है पावर। सो गाइस यार नीचे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।